skies overseas. I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You can throw the stone. Even the night's dark. आईडिया तो मेरे को भी नहीं है, बस आई जा रही है। अब चप्पले आ गए ना, थोड़ा चल लेंगे दो तीन घंटे के लिए। एक घंटे के बाद गेट पे पहुंच गए जहाँ चप्पले रखी हुई थी अपने। और यहाँ पर दो तीन कुंड है भाई, हमें नहीं पता कौन सा एग्जैक्ट एक्चुअल ऑर्डर कौन सा कुंड, लेकिन हमें नहीं आइडिया। बट हमने एक कुंड बना के आ गए भाई। स्नान करके ना स्वाद आ गया, सोना तो भी नहाया नहीं मैं तो, मस्त स्नान के आ गया नीचे कुंड का, कुंड में डुबकी मार के आ गया भाई। मैं तो शर्माने वाला हूं। बैक टू ओरिजिनल वंस अगेन। तो भाई आज है खाटू श्याम में दूसरा, मतलब दूसरा ब्लॉग। वैसे बेसिकली डे हमारा फर्स्ट ही है, बट रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो गाइस अभी आपने चेक किया R15 कहाँ से निकाली भाई मैंने, कसम से सीरियसली कह रहा हूँ, मैं ऐसी फटके आउट हो गई ना। और मैंने अपने भाई को कहा भाई तू फोन पकड़ ले, बाइक तो निकाल लेंगे किसी भी तरीके से, वीडियो बन जाएगी ना कुछ तो बन ही जाएगा। और खाटू श्याम जा रहे हैं, पता मजाक नहीं कर रहा मैं, ये खाटू श्याम की पहली राइड है और सबसे यूनिक राइड है। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं भगवान ने, कि खाटू श्याम कह रहे कि भाई मेरे पास तू पहले आई, बड़ी मुश्किल से आने दिया, अब आने दिया तो ऐसे आने दूंगा कि तू भी जिंदगी भर याद रखेगा ऐसा सफर करवा रहे हैं। ये खट रखी हमारी एबल भाई, इसका ना चैम्बर चुम्बर पूरे रगड़ गए जमीन में, आधी उठाई मैंने और आधे चैम्बर टच हो गए। तो बस मेरे को ये डर था कि इसके नीचे के चैम्बर पट ना जाए भाई, टूट ना जाए। क्रैक तो ऐसे दिख रहा है यहाँ से, पर टूट ना जाए भाई भगवान की, ऐसा लग रहा ना जैसे क्रैक आ रहा। देख रहे हो यहाँ पर चक्कर हो, देखो क्रैक सा आ रहा है, पर वो मिट्टी होनी चाहिए उस पर, नहीं होना चाहिए जो उसका मेटल पीस है वहाँ। क्या बोलू यार किसी का, नहीं किसी के फोन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। रोड ऐसी है भाई पूरा दिमाग खराब, जो हर पीला नहीं पीले नहीं पता नहीं क्या क्या नाम है भाई यहाँ के। अभी हरियाणा क्रॉस हुआ नहीं आया नहीं, और लोहरा लोहरी ऐसा कुछ नाम है यहाँ का। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, चल रहे हैं सॉरी मीन्स। और आपको पता है 300 किलोमीटर हम अपने घर से आ गए हैं, अब यहाँ से 100 किलोमीटर अराउंड बचना चाहिए था, बट 200 किलोमीटर अभी भी बच रहा भाई। ये समझ नहीं आ रहा भाई 100 किलोमीटर कहाँ चले गए थे एक्स्ट्रा। तो भाई रास्ते में हमने एक स्टॉप ले लिया था पेट्रोल भरने के लिए, बाइक के टैंक में भाई तेल खत्म हो गया था, 400 का तेल आ जाएगा आराम से, इसमें मैंने 300 का डलाया क्योंकि रिस्क नहीं लेना ज़्यादा तेल डला के। अभी हीट भी हो रही ना तो थोड़ा जगह होनी चाहिए उसके, ताकि ठंडक हो सके। ससुर भाई एक चाय पीते ठीक है, अब नींद आ रही भाई। चाय चाय एक गर्म चाय की प्याली हो, साथ में पिलाने वाली हो, गोरी हो या काली हो, सौरभ जैसे वाली हो, सौरभ को झेलने वाली हो सॉरी भाई। सेम R15 हमारी एबल जैसी बाइक, दो लड़के लेके आए विदाउट हेलमेट, और भाई वह क्या इशारे कर रहे कि रेस लगाओ। मैंने इशारे में कहा भाई आप जाओ, मेरे को नहीं लगाना, ना मेरे को इतना शौक है किसी की जान का वो लेने का। वो जा रहे हैं आगे, सेम बाइक भाई सेम बाइक, रेस लगाने की बात कर रहे हैं यार। बच्चे से अभी नए मतलब उन्होंने बाइक ली होगी, और रेस लगा दूं और मोड़ पता है मेरे को कैसे आते भाई, और इन पे लीन कैसे करना होता है। चलो मैं मानता हूं उन्हें आती होगी, R15 काफ़ी ईजिली हैंडल हो जाती है, बट भाई फिर भी रिस्क नहीं लेना यार किसी की जान के, मतलब अपने कंटेंट के लिए ना किसी की जान नहीं ले सकते, ना किसी को पंप करना चाहिए, उन्हें जीतने दो यार। आपको पता है ना कि बाइक की कैपेबिलिटी सेम है, जो बाइक उसके पास है वही बाइक मेरे पास है भाई ठीक है। वो गए अंदर को देख लो कितनी बल्की लगती है यार, B4 बहुत ज़्यादा बल्की लगती है। बट मैंने यार ये कहा ना, मैं कहा यार जाओ समझा करो, मतलब क्या होता है यार, मतलब अपने अंदर होना चाहिए यार कि क्या रेस लगानी है, पूरी बाइक झूले खा रही है। दूसरी बात मेरे को ये नहीं पता मैं हूँ कहाँ, बस हूँ हरियाणा में ही, अभी राजस्थान बॉर्डर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर था, मैं ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर आ चुका हूँ, 20 किलोमीटर अभी और है राजस्थान बॉर्डर। ओह सॉरी हरियाणा खत्म हुआ, राजस्थान स्टार्ट हो गया। फिर से चेकिंग हो रही थी गाड़ियों की, क्यों पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं है। राजस्थान की जो मिट्टी है ना प्योर रेत है भाई, प्योर रेत। यहाँ भी टिला, वो आगे टिला वहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे आपको खेत में पता नहीं लगेगा कि मिट्टी है या नहीं है। थोड़ा सा आगे जाते हैं देख लो, पूरे रेत के टिले हैं भाई, थोड़ा वेस्टर्न में आते हैं, रेत के टिले भाई, पूरा प्रॉपर रेत, सारे तरफ रेत ही रेत है। तो गाइस ये खट रखे अपनी ईवल, और अभी हम है भाई राजस्थान में, ये राजस्थान का एरिया है। हालत टाइट होगी भाई, आगे चलने का बिल्कुल मन नहीं है बाइक में, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, सनसेट का टाइम है और हमारी ईवल खट रखी है। आज हम जब ऑफ रोड कर रहे थे वो
ब्रिज के उधर से कुदाई थी, तो ये पूरा चेंबर यहाँ से रगड़े खा गया। थैंक गॉड चेसी, इसकी चेसी करो मैं, फेयरिंग वगैरह बच गई जो जिस तरह वहाँ से निकली ना बाइक, बस मेरे को लगा तो बाइक कुछ ना कुछ टूटेगा, पर मैं जिद्दी आदमी एक बार निकल गया तो निकल गया। ये बंदा कह रहा था मेरे को बाइक राइड करानी है, अब लाइफ में कभी नहीं भूलेगा कि बाइक की राइड करा भाई, कभी नहीं भूलेगा। मजाक नहीं, कल मैंने शेविंग शूविंग की, मेरे फेस ना काफ़ी ज़्यादा दाने हो रहे हैं और एज होगी ना, उम्र होगी, बुढ़ापा आने वाला है इसलिए। और भाई आज ना हालत टाइट होगी, सीरियसली कह रहा हूँ, आँखों में जलन होने लगी है और एकदम बीच रोड पे बैठ रखे भाई कुत्तों की तरह भाई, जो बस बैठ जो थके इतने बुरे हाल है। आर एन फाइव में भाई राइड करना, वो भी 450 किलोमीटर हो चुकी बाइक, और अभी 100 किलोमीटर और जाना है, मतलब इस बार ना 100 किलोमीटर हम भटक गए थे, इस वजह से लेट हो गए, नहीं तो हम कब के पहुंच जाते अभी तक। और हमने बहुत ज़्यादा स्टे किया, रेस्ट लिया इस बाइक की वजह से, नहीं तो हम बहुत पहले पहुंच जाते हैं। अभी लास्ट रेस्ट है, उसके बाद सीधा हम खाटू श्याम जाके रुकेंगे और नेक्स्ट वीडियो में खाटू श्याम जी के दर्शन आपको लाइव कराऊंगा यहाँ से। आपके फायदे हैं भाई, मैं लाइव दर्शन करा रहा हूँ, बस आपको वही है लाइक सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है क्या चीज़ बेस्ट लगी वीडियो में, और मेरे को सपोर्ट करना ताकि मैं ऐसे नई नई जगहों पे एक्सप्लोर कर पाऊँ और आपको भी नई नई जगहों के लोकेशन के दर्शन करा पाऊँ। तो हंसते अब उसके बाद दिखा भाई, रात हो गई है और 70 किलोमीटर बचे हुए भी जाने के लिए, जहाँ पहुँचना है लोकेशन पे, और हमारे आगे जा रहा भाई एक यमराज, स्प्लेंडर बाइक है, लंबे लंबे पाइप कर रखे हैं, एक फुट आगे बाहर निकल रखा है, एक फुट पीछे बाहर निकल रखा बाइक का, और ऐसे कुत्तों की तरह भगा रहा ना भाई, इतनी कुत्तों की तरह भगा रहा ना, या तो किसी और को मारेगा या ये खुद मरेगा, पर मरेगा जरूर कोई एक। मेरे साथ ऐसे लगा इसने 5 मिनट, मैंने कहा यार लगा लेता हूँ, पहले मैंने खूब भगाई अपनी बाइक, फिर सडनली मेरे को याद आया यार इस मोहल्ले में मेरा नया नया है भाई, कौन से रोड पे कौन सा गड्ढा किसके नाम का, पता लगे मेरे नाम का लिखा हो, मैं इसलिए स्लो हो गया और मेरे से आगे निकल गया, और अभी यहाँ पर मरते मरते बचा इस चक्कर में, मैं तो स्लो हो जा रहा हूँ अपना आराम से 50-60 की स्पीड में, रात के टाइम ऊपर से लाइट जो मार रहे ना आँखों में भाई, हाई बीम करके घंटा नहीं कुछ दिख रहा भाई, फिर बस वही सरवाइव करना पड़ रहा है। देखो एक और बंदा बीच में आ गया, दोनों साइड से लाइट लाइट भाई क्या बताऊँ मैं, लाइट ना हो तो जिंदगी झंड है, और लाइट इतनी ज्यादा हो जाती है कि आंखों की ऐसी की तैसी हो जाती है भाई, दिख ही नहीं रहा मेरे को तो आगे, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। यहाँ से खाटू श्याम मंदिर है 35-40 किलोमीटर, और पीछे से जाना है, दोनों साइड से जाने का रास्ता है, यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ेगा, यहाँ से 35 किलोमीटर पड़ता है, तो यहाँ से जाएंगे, और रास्ते में स्टे करने का ढूंढ रहे, अभी राजस्थान में ही है, ये पेट्रोल पंप सामने खड़ा, और यहाँ पर भाई रात के में तो कुछ दिखाई नहीं, क्या राजस्थान में था क्या नहीं था, तो होगी भाई मजाक नहीं, इतना गंदे हाल हो रखे ना रात को, तो समझ ही नहीं आ रहा, आंखों में जलन हो रही है और बुरे हाल है। अब सीधा रूम ढूंढने की जिम्मेदारी लास्ट है, उसके बाद देखते कल की, और बहुत टाइम से प्लान बना रहा था, एक छोटी ट्रिप हो जाए, छोटी ट्रिप हो ही नहीं रही थी, फाइनली भाई एक ट्रिप होगी जो काफ़ी टाइम सोच रहा था, और ये आज कंप्लीट होगी, और ये ट्रिप सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद आपसे आगे बात करते हैं। श्याम भक्त खाटू श्याम जी का दरबार के लिए जाना, अब यहाँ पता करता हूँ भाई यहाँ रहने सुने कहाँ पर है सौरभ भाई, ये है खाटू श्याम का मेन एंट्रेंस भाई, खाटू जी जो है ना, खाटू श्याम जी उनके मंदिर के नियर बाई हूँ मैं, अब बात की बात देखते हैं ना, पहले एक बार पहुंच तो जाए मंदिर, मेरे को दर्शन करने भी, बस मेरे को बस पता नहीं क्या हो गया ना बॉडी में, ऐसा हो गया भाई अभी जाना है अभी, यहाँ तो ट्रैफिक है यार, इतने बुरे हाल हो गए यार। तो भाई फाइनली हमें एक रूम मिल चुका है, और रूम भी ना भाई इतना अच्छा तो नहीं मैं कहता हूँ, ठीक है, हाँ डिसेंट रूम है, काफी क्लियर कट है, और जितना जैसा मेरे को चाहिए था उस बजट में सबसे बेस्ट रूम लगा मेरे को, और जो खाटू श्याम मंदिर है ना उसे नियर बाई है, तो 5 मिनट का रास्ता है पैदल आने जाने का, रूम भी सही मिल गया, पार्किंग भी मिल गई सामने, तो बाइक पे नजर भी रखी जाएगी, और अभी रेडी होते हैं फिर निकलते हैं खाटू श्याम के लिए, और मैंने एक दो झंडियाँ ली हैं जो खाटू श्याम में चढ़ाएंगे आराम से, और फिर निकलते हैं वहाँ के दर्शन कराता हूँ, अभी पूजा होने वाली है, आज एकादशी है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट दिन आज एकादशी है, हम तो रैंडमली आ रखे थे, फिर फाइनली भाई पहुँच गए, अभी हम जा रहे हैं खाटू श्याम में अपनी, जो हमने इतनी दूर से आ रखे है, खाटू श्याम जी ने बड़ी मुश्किल से हमें बुलाया, आज्ञा की, तो आगे जा रहे दर्शन करने के लिए, मुँह हाथ फ्रेश वगैरह हो लिए, अभी खाटू श्याम जाते हैं, फिर खाना खाएंगे, भूख भी बहुत जोर से लग रही है, अरे झंडी ले रखी हमने दो, प्रसाद ले रखा है, और जाते हैं और वहाँ चलाते हैं, और आपको एरिया भी दिखते, तो भाई खाटू श्याम में हम उनकी गलियों में घूम रहे हैं, अब जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर की तरफ, भाई ने कहा था वहाँ पर ना भाई राउंड मारना पड़ता, तो मैं कहा कोई नहीं राउंड भी मार लेंगे, प्रसाद वगैरह लेना भी पूरा प्रॉपर लिया नहीं, नारियल रह गया, चुन्नी रह गई, और एक फूल रह गया, और हाँ गुलाब का फूल, और सारे हो गया, जैसे खाटू श्याम का जो मेन प्रसाद होता है वो गुलाब का फूल और इत्र ही होता है भाई, ये खाटू श्याम की गली में ना नॉर्मल से जाम लगता ही लगता है, देख लो आगे पता नहीं क्या हो गया, तो ये इनके गलियों के हाल है, रास्ता मेरे को याद है इसलिए वीडियो बना रहा था कि रास्ता याद रहे, प्रॉपर मेरे को याद नहीं है यहाँ से निकल भाई, ये खाटू श्याम जी का सब कुछ है जो सामान मैंने फूल झंडी चढ़ा हुआ, जय जय हो बाबा खाटू श्याम, मजाक नहीं भाई इतने टाइम से प्लान बन रहा था, सडनली आज आके हम आगे कंप्लीट, और ये हमने झंडी ली फूल प्लस थोड़ा प्रसाद अपने औकात के अनुसार अब जा रहे हैं हम खाटू श्याम जी के दर्शन पे, भाई गलियों में जा रहे हैं पूछते पूछते जाने का तो पता नहीं, पहले पहुंच तो जाएं, अभी यहाँ पर पूरा परिक्रमा करना है, परिक्रमा का भी हमें कुछ आइडिया नहीं है, बट ट्राई करेंगे परिक्रमा का भी, अभी तो जा रहे हैं बस, मतलब रात का टाइम है भाई, अभी एक आरती बची कह रहे की रात को 10 बजे जब सोते हैं खाटू जी उस टाइम पे आरती करते हैं, उस टाइम की आरती देखने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद परिक्रमा करेंगे फिर जाएंगे घर पे, खुराना जी की बात
नाम भूल जाता मैं अपने भाई का थोड़ा ना। तो भाई अभी जा रहे हैं हम खाटू जी का मंदिर, इसी तरफ है। क्राउड चेक करो, क्राउड रात का टाइम है, सब आ रखे भाई। दिन में पता नहीं कितनी भीड़ होती होगी। अब यहाँ से फिर कंफ्यूजन भाई, इधर पूछना पड़ेगा सर भाई। इधर 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 जा रहे सारे झंडिया वाले, जहाँ झंडी दिखे वहीं जाएंगे। कुंडे खाटू श्याम जी का, जहाँ पर हल्का सा स्नान करना है, छींटा भी बहुत जरूरी है, मतलब छींटा ही मार लो भाई, बहुत जरूरी है। भूले भटके सही जा रहे, जहाँ भी जा रहे जा रहे सही जा रहे सही जा रहे। बाय बाय बाय, ये है कुंड। अब जा रहा हूँ मैं डुबकी लगाने के लिए फटाफट कुंड में। कुंड के दर्शन के नज़दीक आ चुका हूँ, तो एक डुबकी तो बनती है, रात की एक डुबकी। अरे डुबकी मारने के खुराने भाई, स्नान करके ना स्वाद आ गया। सौरभ तो अभी नहाया नहीं, मैं तो मस्त नहा के आ गया नीचे कुंड का, कुंडों में डुबकी मार के आ गया भाई। मैं तो शर्माने वाला नहीं, इतने दूर आ रखा, फुल मजे लेके जाऊंगा बस। बाहर खाऊँ खाटू श्याम बाबा ने जो बना रखा, उसके तो पूरे भरपूर आनंद लेने भाई। भाई स्नान तो हो गया श्याम कुंड का, और यहाँ पर लिखा भी था कि जो श्याम कुंड है ना, यहीं पर श्याम जी प्रकट हुए थे सबसे पहले, और यहीं पर पानी की जो धारा है ना, वो ज़मीन के अंदर से आती है, और इससे बहुत सारी बॉडी के बीमारीज वगैरह, बहुत चीज़ें जो होती है ना बॉडी में, जैसे रुखापन, बॉडी में इन्फेक्शन, हल्के हल्के दाने, सब ठीक हो जाते हैं। तो मैं तो डुबकी मार के, ठंडा ठंडा मौसम में ना ऐसे लग रहा है जैसे हीट से पैदा हो गया ऑटोमेटिक। जाके वापस कुंड से अपने प्ले वगैरह उठाते हैं और निकलते हैं। तो भाई देख लो, इतने सारे बंदे आ रखे रात के टाइम पे कुंड पे। मेरे को लगा यार बहुत कम भीड़ होगी, पर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। अभी भी आई जा रहे हैं, कमी किसी भी एंगल से नहीं है भाई। जो भाई नहीं आया ना, आ जाना, बहुत मज़ा आएगा भाई। यहाँ पहुँच गए हम एक मोहल्ले में, मोहल्ला नहीं मतलब अच्छी खासी गली है चौड़ी। जा रहे अभी खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए। सुबह से चल रखे खाना, एक पिज्ज़ा खाया रास्ते में, वो भी अनदेखे में खा गए बस, तब से कुछ नहीं खाया। एक बार ये आरती में जाके दर्शन हो जाए, उसके बाद खाना खाएंगे, फिर अपना वापस जाके चप्पल भी ढूंढनी, चप्पल पता नहीं किस कोने में खोल के आ गए, ये भी नहीं पता हमें अभी तक तो। भाई चेक करो कितनी लंबी भीड़ बन रही है, तुम्हारा भाई गुलाब का फूल, इतनी लंबी भीड़ कतार में लगी हुई है भाई। रात को अगर ये हाल है ना, तो दिन में सोच लो क्या हाल होते होंगे। तो दिन के टाइम तो बहुत बुरा क्राउड रहता होगा, और मैंने तो सडनली आ गया ऐसी रैंडमली, सीरियसली कह रहा, कोई प्लान नहीं था बस आ गया। और आज एकादशी है, तो उसके जो थोड़ा भीड़ है, अभी वापस जाके अपना जो फ्लैग है ना वो कलेक्ट करेंगे, अपना फ्लैग मांगे, बोले भैया दे दो यार, लेके जाएंगे। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो देखी जाएगी भाई। मेरे बैक साइड तो कोई भी नहीं अभी, वो बहुत पीछे लगे हुए हैं। इसमें भी ना यार एक सिस्टम है, जो आ सकता है लाइन में, जिसकी किस्मत होगी वो पहले, जिसकी नहीं होगी वो रुका रहेगा। पता नहीं अपनी कैसी किस्मत है, बस इधर उधर घूम फिर के सही जगह पहुंच रहे हैं, पहुंच ही जा रहे हैं, कभी कुंड में गए कभी यहाँ पर आ गए। जय हो। भाई दर्शन हो लिए, अब चप्पलें नहीं मिल रही, पता नहीं कौन से रास्ते में खोल के आ गए, रास्ता ही नहीं मिल रहा। अब सीन ये हो गया भाई, जाते हुए तो पता नहीं लगा चप्पल कहाँ उतार दिया, वापस में ढूंढते हुए वाला टाइट हो गया, चार गेड़े काट लिए, पर रास्ता नहीं मिल रहा जहाँ चप्पल उतार के बैठ रखे थे। फाइनली एक घंटे के बाद गेट पे पहुँच गए जहाँ चप्पलें रखी हुई थी हमने। और यहाँ पर दो तीन कुंड है भाई, हमें नहीं पता कौन सा एग्जैक्ट एक्चुअल ऑर्डर, कौन सा डुप्लीकेट, हमें नहीं आइडिया, बट हम एक कुंड में ना के आ गए। और बड़ी मुश्किल से हम चप्पलें तो मिल गए, वापस जाने का टास्क अभी पेंडिंग है, बाद मेन रोड पर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। खुराना की शक्ल टेढ़ी हो गई, खुराना की शक्ल उतर गई, कह रहा भाई कहाँ लेके आ गए, ये ना रास्ता मिल रहा ना, बाहर जाने पता नहीं लग रहा है, सब एक जैसा लग रहा है। खुराना बाहर जाने का रास्ता दिखा, अरे वहाँ कहाँ जा रहा है खुराना। भाई सटिया गया, इतनी गलियां घुमा देने से इतना कंफ्यूज हो गया, कह रहा भाई कहाँ से आए, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, कुछ आइडिया ही नहीं है। वैसे आइडिया तो मेरे को भी नहीं है, बस जा ही जा रहे हैं। अब चप्पलें आ गए ना, थोड़ा चल लेंगे दो तीन दिन घंटे। ए श्याम बाबा सच मत मान लेना है, सीधा बाहर निकालना। अभी मजाक में मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, एक घंटा घुमा दिया ना जायज़ का, अब बाहर घुमा दो। यहाँ से आ रहे हैं, अब बाहर जाना है बाबा, बाहर जाना, बस बाहर पहुँचा दो मेन रोड पर। भूख लगी है सुबह से, कुछ नहीं खाया एक पिज्ज़ा के अलावा। भाई मजाक नहीं, श्याम बाबा ने इतना परेशान कर दिया ना, कौन कौन से रस्ते में ला रहे, किस रस्ते में फेंक रहे, कहाँ जा रहे, कुछ पता ही नहीं लग रहा, भटक गए बस बुरी तरह। मैं और सुबह अब एक बार कन्फर्म करते हुए जाना कहाँ में, हमें यही नहीं पता। सेकंड ब्लॉग भी यहीं पर एंड करता हूँ मैं, बस खाना खुना खा रहे, ये रखा हुआ खाना हमने, और फिर सोते यार सुबह से लगे हुए 5 बजे के उठ रखे, रात के 11 बज के सोते, फिर सुबह उठना है, फिर कहीं और का प्लान है, देखते जाते हैं नहीं जाते भी, कुछ प्लान तो है, देखते हैं कल का, कल देखते हैं। ठीक है गाइस, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मैं तक इस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।